नमस्कार दोस्तों, आज मुटेन आया हुआ हूँ साइकिल चला के और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। प्रकृति की छटा यहाँ अनुपम है। पीछे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुंदर सा एक लेक है जिसकी परिधि 26 किलोमीटर है। और आज इस समय इतने प्यारे एनवायरनमेंट में मैं आपको अपने बचपन के प्यार के बारे में बताता हूँ। तो मेरा बचपन का प्यार मित्रों ये है, और ये एक कविता है जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। इसका नाम है रश्मि रथी, और बहुत ही अलौकिक कविता है। मैं आज आपका इसका खंड मैं आपका आज आपके सामने उच्चारण करता हूँ मित्रों। कविता का खंड इस प्रकार से है, तृतीय खंड। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आओ देखें क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सन्मार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और संदेशा क्या है? दो राज्य अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है, दुर्योधन ये समझता है कि भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, और भगवान भी गीता में यही कहते हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा, कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन असल में कृष्ण जो है एक बहुत विकराल चेतना है। संसार में हर एक जगह कृष्ण की मौजूदगी है, और कृष्ण आज वो अपना अनुभव दुर्योधन को कराते हैं। बहुत ही अच्छा कवि ने इसको व्यक्त किया है, और मैं कहता हूँ भगवद गीता में जिस प्रकार का चित्रण श्री व्यास ने किया है, लगभग उसी के कुछ समकक्ष पूरा जस्टिस दिया रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी। तो कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, यह देख, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, झूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिबंध के घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिपते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है वो मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगशर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, षटकोटि सूर्य षटकोटि चंद्र, षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, षटकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, षटकोटि जिष्णु जलपति धनेश, षटकोटि रुद्र षटकोटि काल, षटकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिव्या से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है। मैत्री का मूल्य न पहचाना, हित वचन नहीं तूने माना। अब भगवान कृष्ण अपना अल्टीमेटम देते हैं मैसेज, भाई मैं प्रेम की बात तुमसे करने आया था, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पाया, अब मैं तुम्हें अंतिम संदेश सुनाता हूं। तो सुन सुन दुर्योधन, संदेश ये है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाह प्रखर, फन शेष नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण
बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। वायस श्रृगाल मतलब वॉल्व्स एंड ईगल्स। आखिर तू सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, फिर कहते हैं कृष्ण आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। एंड देन इन द ट्रेजिक एनवायरमेंट लॉर्ड कृष्णा सेज, थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन झोल चले, भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोर चले। मित्रों कविता का जो तृतीय सर्ग उस प्रकार से खत्म होता है, बहुत ही प्यारी कविता है, और कभी आपको मौका मिले तो जरूर इसका अध्ययन करिएगा। हिंदी भाषी प्रेमियों के लिए इस कविता से अच्छी कविता मैंने आज तक नहीं सुनी, बहुत